चलिए अभी वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने देखे थे उनके सॉल्यूशन देखने हैं अपने को, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि C2H5Cl के ऊपर जब सोडियम के रिएक्शन करवाएंगे हम, तो रिएक्शन के सारे प्रोबेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बताने हैं, है ना। तो ये है यहाँ पर, मैं क्या बोला था अपने वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या देखा था कि रिएक्शन जो होती है इट फॉलोज व्हाट दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ इथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा, इथाइल फ्री रेडिकल जो होगा वो मेनली तो क्या करेगा, दूसरे इथाइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, C4H10 बनाता है, जो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। बट साथ ही साथ में क्या भी हो सकता है, हमने तो उनका अल्काइल फ्री रेडिकल जब भी बनता है और उसमें कार्बन का नंबर 2 या 2 से ज्यादा होता है तो कौन सी चीज होती है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन भी होता है ना। तो यहाँ से एक एच निकल कर इसको मिल जाएगा तो दिस बिकम C2H6, और इसमें से H हट गया तो दिस बिकम C2H4। समझ आ गई बात ये, है ना। हम बोलेंगे रिएक्शन में C4H10 इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये वाले जो दोनों प्रोडक्ट्स रहेंगे ये क्या रहेंगे, दीज आर माइनर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में ये मेजर प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या रहेंगे, दीज आर माइनर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोपोर्शनेशन। बट सारे प्रोडक्ट्स बोले इसलिए हमको बताना सब पड़ेंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, द रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल है, इट इज 1, 2, 3, 4, और 2 और 3 पर मिथाइल लगा हुआ है ना। अब वुड रिएक्शन में सिंपली कौन सी चीज करनी होती है अपने को, तो हम बोलेंगे जहां जहां पर क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना। इसका जो तरीका होगा क्वेश्चन करने का सिंपल क्या रहेगा, हम बोलेंगे जहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको तोड़ दो और दोनों कार्बन पर हेलोजन हेलोजन जोड़ दो, है ना। वुड रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ही क्या होता है, इट फॉर्म होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी जो खाली हो रही है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, तो दैट इज हेलोजन एंड हेलोजन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इसका जब सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा। समझ आ गई बात ये, काफी सिंपल है कि जब भी अपने को प्रोडक्ट दिया और पूछा इसका वुड्स रिएक्शन वाला रिएक्टेंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिख लेंगे, जहां पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है उसको अपन बीच में से तोड़कर उसके ऊपर क्या लिख लेंगे, दैट इज हैलोजन। क्लियर हो गई बात ये, है ना। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड सोडियम एंड ड्राई ईथर, दीज आर द रिएक्टेंट्स जिनसे क्या बन जाएगा, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाता है। समझ आ गया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H14Cl2, जिनको सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ गर्म करवाने पर क्या मिल रहा है, इट इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है मतलब क्या है, एक हमको कौन सी चीज है, वुड्स रिएक्शन करके साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, तो वुड्स रिएक्शन पर साइक्लिक कंपाउंड कब बनेगा, तो हम बोलेंगे जब कौन सी चीज होगी, रिएक्टेंट में क्या होंगे, 2 हेलोजन तो दिए हुए हैं, है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। समझ आ रही बात ये, है ना। क्या होगा यहाँ, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी जिससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो इसमें भी ये क्या, दिस इज द टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। वो फिर से हमसे रिएक्टेंट्स पूछे हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है, इससे साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनती है, ठीक है। तो हमको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शंस जमाने, ठीक है ना, वो कैसे ऑप्शंस जमाएंगे, तो हम बोलेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 इनके ऊपर तो हेलोजन फिक्स है, क्योंकि हेलोजन हेलोजन हटकर क्या बनता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वुड्स रिएक्शन में। तो जब साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। समझ आती बात ये, तो एक तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 7 कार्बन की सीधी चेन ले सकते हो, ठीक है। तो 7 कार्बन की सीधी चेन में कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 1 इन पर क्या लगा दिया आपने, क्लोरीन लगा दिया। समझ आ गई बात ये, इस पर जो अपन क्या डालेंगे, दैट सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो ये क्लोरीन हटेगा, ये हटेगा, यहाँ बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बना तो क्या बन जाएगा, दैट इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गई बात ये, तो एक तो इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है ना, क्या था कंपाउंड अपने, इट इज व्हाट, C7H14Cl2, इस वाले स्ट्रक्चर वाला ये क्या बनवा सकता है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और कौन सी चीज हो सकती है, तो
हमने बोला कि कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो हम क्या करते हैं 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन ले लें और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दें वहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 फिर से है ना, यहाँ ये कार्बन नंबर 6 हो गया, तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा। कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दोनों सी एल सी एल हटकर जब 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या बन गया, इट इज दिस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अगेन, है ना। वैसे ही इसमें भी कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये वाली चेन है, इसमें मिथाइल को अगले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे फिर से क्या बन जाएगा, दैट इज हम बोलेंगे 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा सोडियम से, और कौन सी चीज होगी, फिर से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया। आगे ने बात समझ में, क्योंकि मिथाइल यहाँ पर हम है ना, यहाँ पॉसिबल था, यहाँ पॉसिबल था, तो मिथाइल हमने कहीं भी लगाया, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ए किए, तो जहां सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से क्या हो जाएगा, नंबरिंग चालू हो जाएगी, तो इससे भी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है, इससे भी, और इससे तो मिल नहीं था। क्लियर हो गई बात अच्छे से, है ना। फंडामेंटल अच्छा क्वेश्चन है ना, हल्की सी थिंकिंग अप्लाई करना, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, है ना। आप कौन सा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है C6H12Cl2, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये क्या करता है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देता है, तो क्वेश्चन इसी टाइप का है, बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि ये जो कंपाउंड है सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, तो हमको बताना है ए का स्ट्रक्चर, है ना। तो क्वेश्चन थर्ड वाले जैसे ये विथ वन लिमिटेशन, उसके हिसाब से आंसर एक ही आएगा, यहाँ पे आंसर तीन थे, अब आंसर एक ही आएगा, मतलब देखते हैं अपन कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन ये है, तो एक तो क्या हो जाएगा वही 6 कार्बन की चेन, कार्बन नंबर 1 और 5 पर इस बार क्या लगाना पड़ेगा हमको, क्लोरीन लगाना पड़ेगा, तो कार्बन नंबर 1 और 5 पर जब क्लोरीन आता है तो क्या बन जाता है, सोडियम के साथ ट्रीटमेंट करने पर यहाँ बॉन्ड बनेगा, बन गया मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बट इस वाले स्ट्रक्चर में इस कार्बन पर जब क्लोरीन है तो ये वाला कार्बन के साथ दिस इज काइरल कार्बन, ठीक है, तो इस कार्बन के काइरल होने की वजह से ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या बोला गया था, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आए ना समझ में, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं नेक्स्ट वाली, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट वाली चीज जो होगी इसमें ना, ये क्या रहती है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर फिर से वही क्या, हमने क्या 5 कार्बन की जैसे यहाँ पे ली थी ना, हमने यहाँ पे 6 की ली थी, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन ले ली, और मिथाइल को हमने क्या कर दिया, साइड चेन बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो मान लो साइड के बीच में बॉन्ड बनकर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन तो बन गया, लेकिन जिस कार्बन पर मिथाइल लगा है वो कार्बन के साथ फिर से काइरल है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। अब क्या अगला, तो इस मिथाइल चेन को अगले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया, और मिथाइल का मिथाइल को जब यहाँ शिफ्ट किया हमने, तो क्या हो जाएगा इधर CH2CH2Cl, CH2CH2Cl, ये दोनों ग्रुप्स कैसे हो गए, दीज आर आइडेंटिकल, तो अब ये वाला कार्बन काइरल नहीं है, और यहाँ पर भी 1 और 5 के बीच में जब क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ये मिथाइल किसमें आ जाएगा, दैट इज इन साइड चेन, तो बन जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन, बट दिस विल बी व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए ए का स्ट्रक्चर यही रहेगा। समझ आ गई बात ये ना, क्योंकि क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि कंपाउंड ए क्या है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आगे बात समझ में है ना, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस टाइप के वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करते चलना चाहिए, ताकि सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना आए ना, जो क्वेश्चन की स्पेसिफिसिटी है तो उसकी तरफ एक बार अंडरलाइन किया हमने, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उसकी तरफ रहता है भाई, मार्किंग आंसर है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फिर ये सारे ऑप्शंस में होंगे, ठीक है, और ये पहला ऑप्शन दिखेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव की तरफ, यदि ध्यान नहीं है तो या तो हम इसी को टिक लगा देंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव की तरफ ध्यान नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया है, तो हम ऑल ऑफ दीज कर देंगे, जबकि आंसर क्या रहने वाला है, सिर्फ ये वाला। आगे समझ में अच्छे से ये है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इज प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, है ना, तो अभी थर्ड और फोर्थ भी इंट्रामोलिकुलर वुड्स थे, तो अब ये आ जाए, आ गया, तो ये आराम से आ जाएंगे, है ना, क्या यहाँ पर बी आर और सी एल, इनको हटाया, बॉन्ड बनाया, ये मतलब काइंड ऑफ ट्रिक देख लिया हमने, मैकेनिज्म पता ही, बी आर सी हटाया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया, तो क्या बन गया यहाँ पर सिर्फ बायसाइक्लो कंपाउंड, इसको देखा यहाँ से भी बी आर हटाया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया,
फिर से क्या बन गया, दैट इज बाईसाइक्लो कंपाउंड। समझ आ गई बात? ये काफी सिंपली। अब ये वाला जो एक थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है फिर से, है ना, कि इसमें चार क्लोरीन लगा दिए, तो इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन जो होती है ना, वो कैसे हो सकती है? तो बोलेंगे इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन में ये कार्बन वन एंड कार्बन थ्री, इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाया, ये वन और थ्री इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाया, तो क्या हो गया, दो साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई, जिनके बीच में ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड है। क्लियर है? तो एक इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड ऐसी हो सकती है, दूसरी क्या हो जाएगी, दैट इज वन एंड फोर वाली, कि कार्बन वन था एंड कार्बन फोर, तो वन और फोर के बीच में बॉन्ड बनाया, फोर मेंबर रिंग बन गई वन, और इस फोर के बीच में बॉन्ड बनाया, ये रिंग बन गई, ये वाला बॉन्ड क्या दोनों में कॉमन हो गया। समझ आ गई बात? ये तो इस कंपाउंड का इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स जो होगा वो दो तरीकों से हो सकता है। समझ आ गई बात? ये है तो यहाँ पर है क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। क्लियर हुआ आपसे? सही है ना? दीज आर वॉट सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन, जिनमें थोड़ा थोड़ा सा स्मार्टनेस भी डाला हुआ है बीच बीच में, है ना, और यही इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है आईटी स्क्रीनिंग 2005 में पूछा हुआ है। समझ आ रही बात अच्छे से? ये तो एक बार इनको और ढंग से एनालाइज कर लीजिएगा, आगे के सारे क्वेश्चंस फिर आपसे खुद से इनके बेसिस पर बन जाएंगे। ठीक